थ्री मंत्र बोलाओ। हाँ, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियानं, नमो वज्जायाणं, नमो वज्जायानं, नमो लोये सौवशाहुणं, नमो लोहे सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव भाव प्रणाशनो सव पाव प्रणाशनो, मंगलानं च सौवेसि मंगलानं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो बसाजी બાળકો નથી એટલે આપણે હવે સીધા પદ ગાઈશ, પદ ઉપર જઈશું। हाँ મમતા हाँ બેન પદ ગાશે। ओके। जय जय सच्चिदानंद महेश दादा। सच्चिदानंद। हे दीवड़ो दादाए प्रगटायो, हे दीवड़ो अमर ठाए रे, दीवड़ो दादाए प्रगटायो, हे दीवड़ो अमर ठाए रे, ईरे प्रकाश मामत माथैने गोटवनि करवामान, ईरे प्रकाश मामत माथैने गोटवनि करवामान, पड़ोशिनी जेम धर्मारे कच्छरो काढ़नी शाम, पड़ोशी जेम धर्मा रही ने कच्चरो काढ़ निष्काम, हे जीवड़ो द्रष्टा ने दर्शायो, हे जीवतो मरतो थाए रे, जीवड़ो द्रष्टा ने दर्शायो, हे जीवतो मरतो थाए रे, इंद्रिय सुकनी फॉरेन बाजारे नवी खरीदी वन, इंद्रिय सुकनी फॉरेन बाजारे नवी खरीदी वन, कशायो लूटिया भारत मोजारे निकाले उकले तन, कशायो लूटिया भारत मोजारे निकाले उकले तंत, हे चोपड़ो शुद्धात्मे जे मारा तो ई पंते जनतल थाए रे, चोपड़ो शुद्धात्मे जे मारा तो ई पंते जनतल थाए रे, उद्गल अवस्था परिवर्तनशील आत्मा कायमी स्थिर, उद्गल अवस्था परिवर्तनशील आत्मा कायमी स्थिर, पुण्यों ने पाप बे उदय दंडे बुझी ने स्थितावीर, पुण्यों ने पाप वे उदय डंडे पूजी ने सिजता वीर, हे वीरडो रण रास्ता मा पायो, हे छुटडो सिच तो जाए रे, वीरडो रण रास्ता मा पायो, हे छुटडो नी सिच तो जाए रे,
चतुर गति मां में करनी वाचे चेतन जो दूज छे चतुर गति मां मिटरनी वाचे चेतन जुदूज छे दादा ने रोजे भावती पायो हावे तो छूटवूज छे दादा ने रोजे भावती पायो हावे तो छूटवूज छे हे बावड़ो हे बावड़ो ज्ञानी ये छोड़ आव्यो ममरड़ो निर्मम थाए रे बावड़ो ज्ञानी ये छोड़ आव्यो ममरड़ो निर्मम थाए रे ए दीवड़ा ने बुझावी देवा आंधियु आवे का ए दीवड़ा ने पूजावी देवा आंधियु आवे काय रोकड़ा खूबर छुपावी देवा जीवता ज समाधि माय रोकड़ा खूबर छुकावी देवा जीवता ज समाधि माय हे दीवड़ो हे दीवड़ो जग मग तो छेज होवे गियारू आचर्य देखाए रे दीवड़ो दादा ए प्रगटायो हे दीवड़ो अमर थाए रे हे दीवड़ो दादा ए प्रगटायो के दीवड़ो अमर थाए रे जय सच्चिदानंद बहुत बढ़िया पद आपने निकाला और गाया भी अच्छा आप गुजराती कैसे गा सकते हैं आप गुजराती कैसे गा सकते हैं पहले सुनती हूँ फिर थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंस करके गाती हूँ गुजराती अभी सीख रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा ओके ये आपने क्यों प्रयत्न किया कविराज बहुत अच्छे गाए थे उनको उनका राग बहुत अच्छा था पसंद आ गया एक ही बार में सुन के ही अच्छा ये राग में पसंद आ गया ओके ओके भाई मशान जी आर यू देयर हां ओके ओके हां ओके तुम्हारा वीडियो ना चाहिए એટલે માટે પૂછ ઓકે તો इसमें से क्या खबर है वीडियो okay. तो हमारा चालू छे ओके नो प्रॉब्लम तो ममता बेन ये आपको इसमें से क्या ग्रहण किया कुछ कि अभी महेश दादा ने बताना पड़ेगा मुझे फर्स्ट लाइन ही समझ में आया ए दीवड़ो दादा ने प्रकट आयो दीवड़ो अमर थाए रे जो दादा ने हमें सही समझ दी है हमारे अंदर एक प्रकाश दिया है दिया लगा के वो ही अमर है वही समझ आया शुद्धात्मा का जो लक्ष्य बैठाया है सही okay. समझ दी है हमें ओके वेरी गुड तो अभी महेश दादा ये भाई कोई क्वेश्चन नहीं है तो लाइन बाय लाइन जाओ ना हाँ तो आप हिंदी में ना हाँ हिंदी में ये वो तो आपको मालूम पड़ गया जो दादा ये पक्का है वो दे दीवड़ो अमर थाए रे तो कौन सा दिया कि मैं कौन हूँ वो दिया जला दिया पक्का दिया मैं शुद्ध आत्मा हूँ वो प्रतीति बिठा दी यानी कि जब लास्ट तक मोक्ष तक जाएगे आप तब तक कितना उतारो जो भी बाकी है अगले भव में भी ये प्रतीति नहीं जाएगी मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य बैठ गया श्रद्धा में बैठ गया मैं शुद्धात्मा हूँ तो क्या बोलते ये ईरे प्रकाश में महात्मा थी ने गोठवनी करवा मार तो ये प्रकाश में मैं शुद्धात्मा हूँ ये प्रकाश हमें प्राप्त हुआ हकीकत मेरा सच्चा स्वरूप क्या है मैं शुद्धात्मा हूँ और ये नामधारी है वो पड़ोसी है वो पड़ोसी का जो कचरा है भरेला माल है वो कारण इसका मैंने कि जैसे हम पड़ोसी नी जेम घर में रहने जब जैसे घर में रहते हैं और पड़ोसी है नेबर तो हम क्या बातचीत करते हैं नेबर के साथ कचरा है जरा निकालना है आपके घर पड़ा है
और अपने कंपाउंड के बाहर पड़ा है, दोनों मिलके हम ऐसे फर्स्ट नेबर पड़ोसी यानी कि नियरेस्ट, तो आपका पड़ोसी आप शुद्ध आत्मा हो गए। तो आपका पड़ोसी क्या नाम आपका? ममता। ममता बेन, तो ममता बेन फर्स्ट नेबर हुए, ममता बेन पड़ोसी हो गए। तो हम शुद्धात्मा के ये प्रकाश में ऐसे गोठौनी करने की कि ममता बेन में जो भरेला माल है, जो मिस्टेक है, भूलो है, वो हम वो निकालना है, देख के वो कचरा को निकालना है। ऐसा बोलते हैं पड़ोसी नी जेम धर्म रही ने कचरो काड निष्काम। तो ये हम कोई भी ऐसा अंदर है कि कचरा क्यों निकालना है, कि हमें ये कचरा चुभता है। घर में आप कचरा कैसे निकालते, आपको चुभता नहीं है तो निकालेंगे नहीं, खुचता है, चुभता है। तो इस तरह से ये कचरा हमें चुभता है तो अच्छा नहीं लगता है, किस तरह से मैं निकालू ये कचरे को, वो किस तरह से मेरा भरेला माल रूपी कचरा जो ये पुद्गल में पड़ा है, ममता में पड़ा है, तो वो देखना है कचरा और उसको निकालने के लिए दादा के पास शक्ति मांगना है, प्रतिक्रमण करना है। अभी मुझे ये कचरा चाहिए नहीं, ये दादा भगवान मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो, अभी मैं ये भरेला माल है उसको मैं अभी उसको सपोर्ट नहीं करूंगी, यानी कि प्रोटेक्शन नहीं करूंगी, ये मेरी मिस्टेक है और मैं मिस्टेक से मैं वो निपट जाऊ, निकल जाऊ, इस तरह से वो बताते हैं ये पद में। तो कचरा निष्काम आया और जीवड़ो दृष्टा ने दर्शायो ये जीव तो मरतो थाए रे। तो ये क्या बताते हैं उसमें, ये दृष्टा ने दर्शायो ये जीव तो मरतो थाए रे, क्या ये अपना जो है या ममता बेन और ये ज्ञेय है, आप ज्ञाता है, देखने वाला हम जानते हैं ममता बेन कैसी है, वो किस तरह से जीती है और मरने वाली पण वो ममता बेन है, और उसको हम देखने वाला ज्ञाता दृष्टा वाला हम शुद्धात्मा है। तो ममता बेन किसे किस तरह से जीती है और किस तरह से उनका जो माल निकलता है, तो ये जीव तो मरतो था रे, यानी कि जो अहंकार है ममता बेन का वो कैसा है, वो मर वो ऐसा जीवत नहीं है, वो ज्ञान के बाद वो मरेला अहंकार जैसा है, जैसे सर्प है और आधा वो किसने उसको मार दिया, मगर अभी जीवंत है थोड़ा सर्प, तो कैसे है वो मर तो रहा है सर्प, मगर जीवित है अभी थोड़ा। तो अहंकार को हमें दादा भगवान ने उसको वो अहंकार को निकाल तो दिया, पर भरेला माल को वो जीवता लगता है हमें, कि वो अहंकार को जीवता मरतो थाए रे, कि वो जीवता है अभी मर्दाल हो जाएगा अहंकार। तो कैसा ये जीवड़ो जीवड़ो यानी कि अहंकार रूपी ये जीवड़ो दर्शायो कि जीव तो मरतो थाए, लगता है वो जीवित अहंकार, वो दादा के ज्ञान से उसको अधमुआ हो गया, अरे मार दिया, निकाल दिया अहंकार। इंद्रिय सुखनी फॉरेन बजारे नवी खरीदी बंद, इंद्रिय सुख यानी कि जो आप पांच इंद्रिय से हम अनुभव करते हैं, तो अभी नई खरीदी यानी कि उसमें पांच इंद्रियों में सुख है, वो ऐसा सुख अंदर आता है कि उसमें सुख है, तो अंदर रहता है इंद्रिय में सुख है। तो लगता है एक वाई फाई चालू थी गो, हाँ वाधो नहीं, हाँ इंद्रिय में सुख लगता है मगर
एक मिनट में वाईफाई बोलते चालू हो गया, देख लेता हूँ। आवाज आती है? वैशां जी हमें नहीं आवत तो आवाज नहीं आवतो ने आवे छावे आवे छावे आवे छावे आवे जाओ छा आ वीडियो जरा करो ये कमलेश भाई कहवाया ने वाईफाई चालू થઈ ગયું એટલે जरा हूं सेटिंग करतो तो हां हो गया वीडियो भी चालू करो वीडियो बंद है मेरा आप बाद में चालू कर देना। हाँ चालू हो गए। तो इंद्रिय सुख की फॉरेन बाजारे नवी खरीदी बंद, इनकी जो वो क्या बताना चाहते हैं कि भी नया कर्म जो बनता है मैं करने वाला हूँ मैं भोगने वाला हूँ वो अभी ये मन वचन काया ये पराया हो गया और इंद्रिय सुख की फॉरेन बाजारे फॉरेन यानी कि ये मन वचन काया फॉरेन डिपार्टमेंट है और मैं शुद्धात्मा होम डिपार्टमेंट यानी कि अभी हम फॉरेन डिपार्टमेंट में रहने वाले नहीं है। मैं करने वाला नहीं हूँ मैं जानने वाला हूँ। तो नया कर्म की जो खरीदी यानी कि नया कर्म नहीं बनता है अभी तो मेरा जो सुख इंद्रिय में से नहीं लेते हम मेरे शुद्धात्मा के सुख की भजना करेंगे और उसका अनुभव करेंगे। तो कसाय लुटिया भारत मोजारे निकाले निकाले उकले अंत यानी कि संभाव से निकाल करना यानी कि ये कसाई रूपी क्रोध मान माया लोभ सबको लूट दिया है भारत में। तो अभी हमारा क्रोध मान माया लोभ चला गया जो भी आता है उस संभाव से हम निकाल करते और शुद्धात्मा के चोपड़ा में रकम हो जमा हो जाती है ऐसे बोलते चोपड़ो शुद्धात्मा भरा तो ही फंडे जान तल थाए रे। हमारे अभी वो नॉलेज में क्या होगा कि शुद्धात्मा के चोपड़ा में पांच आज्ञा का पालन करते दादा की भक्ति करते शुद्धात्मा के चोपड़े में रकम जमा होती है। उद्गल अवस्था परिवर्तनशील आत्मा कायम स्थिर अब मन वचन का है कि अवस्था कैसी है परिवर्तन एवर चेंजिंग और आत्मा कायम स्थिर आत्मा इनकी में शुद्धात्मा वो परमानेंट है वो कायम वो स्थिरता वाला है वो हिलने वाला नहीं है और वो परिवर्तन वाला जो है ये मन वचन का है उसकी अवस्था है। पुण्य ने पाप बेव उदय डंडे बुझी ने सिजता वीर यानी पाप और पुण्य हवे दोनों उदय कर्म है और दोनों दंड है पुण्य भी दंड है साता और असाता वेदनीय है। पुण्य साता वेदनीय है और पाप असाता वेदनीय है दोनों वेदनीय है यानी कि दंड स्वरूप है वो उदय कर्म के अधीन है। तो दोनों अभी हेय हो गए यानी कि बुझी ने सीता वीर यानी कि हम अभी शुद्धात्मा हो गए तो पुण्य पाप दोनों हेय हो गए हेय यानी कि बंधन करता नहीं है। वीरड़ो रण रस्ता मा पापो ए पायो रे घुटड़ो घुटड़ो पायो सीजतो जाए तो ये वीरड़ो इनके जो वीर पुरुष होते हैं रण रस्ता में भी वो हमें ऐसा इस शुद्धात्मा का अनुभव जो प्राप्त हुआ ये कलयुग की अवस्था में तो हमें दादा भगवान जैसे वीर पुरुष मिले और रण जैसा इनकी सुखी हवा में भी इनकी कलयुग में भी ये शुद्धात्मा का जो हमने पा लिया घुटड़ा इनकी अनुभव किया तो सब वो सीजत हो जाए रे यानी कि सब अपना जो है
कसायो है वो मंद पड़ते है, सीझता है, खिचड़ी बनाते तो सीझती है ना, फिर आपने वो बराबर पक जाती है और कम खाते। इस तरह से ये ऐसे विरड़ो रण रस्ता में पायो ये गुंडो सीझता है, ऐसे दादा भगवान का ये अक्र विज्ञान पाया तो सब सीझना लगेगा, ऐसी ठंडा हो जाएगा, सब मंद पड़े जाएगा कसाई। चतुर्गति मा मैटर नी वच्चे चेतन जुदू छे, ये चतुर्गति यानी कि जो है चार गति है ने, वो तीर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, वो सभी में चेतन यानी कि शुद्धात्मा सबसे अलग है। दादा ने रोज 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 भाव थी पार्थो हवे तो छूट, दादा भगवान को रोज प्रार्थना करने का, रोजे रोज, रोजे रोज यानी कि दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की, हे दादा भगवान अभी मुझे छूटना है, छूटना है ना कि अभी ये संसार की चीज मुझे चाहिए नहीं, मैं शुद्धात्मा का अनुभव वही मुझे चाहिए, और मैं मन वचन का ऐसे निर्लेप रहू, असंग रहू, मुक्त रहू। छूटना है ना कि मन वचन काया होते हुए भी मोक्ष का अनुभव, उसको छूटना बोलते है। भवड़ो ज्ञानीय छोड़ायो भमरड़ो निर्भय थाय रे, ये मन वचन काय रूपी ये भमरड़ा है, भवड़ो यानी कि भव है, तो ज्ञानी पुरुष ने छुड़ा दिया और निर्बंध बना दिया, सभी ब्रह्म से निकाल दिया, मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, मुझे होता है, मैं पाप, मुझे पाप, मुझसे पाप हुआ, मुझे पुण्य हुआ, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, आई एम समथिंग, वो सब ब्रह्म से निर्भम कर दिया, सब ब्रह्म को निकाल दिया, ऐसे ज्ञानी पुरुष ने ये भव भमड़ो, भमड़ो तो मालूम है ना, वो जो घूमता रहता है लट्टू, वो भमड़ो बोलते हैं, जैसे उसको उसे जैसे कर्म बांधे ऐसे डोरी से बनता है वो वीटा हुआ भमड़ो, और जैसे भाव किया वो घूमता रहता है भमड़ो, मन वचन काय रूपी भमड़ा से मुक्त हो गए, वो भव भवड़ो भवड़ो यानी कि भव से भी मुक्त हो गए। ज्ञानी पुरुष ने वो भमड़ा और भवड़ा भवड़ो यानी कि भव भव म से हमें मुक्त करा दिया, निर्भय बना दिया, निर्भेद बना दिया। ये दीवड़ा ने बुझावी देवा आधीव आवी काई, यानी कि जो आधीव यानी कि तूफान, ओ बोलते हैं ना वनटोड़ आते, साइक्लोन आते, तो इतनी आधीव यानी कि इतना तूफान कलयुग में, ऐसा इतना सारे संजोग आते हैं, वो दीवड़ा, दीवड़ो यानी कि शुद्धात्मा का दीवड़ा, पवन आता है ना, वनटोड़ आता है, साइक्लोन आता है, बुझ जाता है, तो ऐसे कितने भी तकलीफियों आई, कितने भी ऑब्स्टेकल प्रतिकूलता, मगर ये दीवड़ा जो दादा ने जलाया रखताया, तो कितना भी आधी आवे आई तो भी दीवड़ा बुझेगा नहीं, वो अमर रहेगा, ऐसा दीवड़ा, ये दीवड़ा ने बुझावी देवा, बहुत आधी आवी का कितने ऑब्स्टेकल आए, मगर ये रोकड़ा कुबेर चुकावी देवा जीवता समाधि माई, क्योंकि दादा का ये ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ, रोकड़ा कैश बैंक उसको रोकड़ा बोलते कुबेर, तो ऐसा हम संसार में आदि व्याधि में समाधि, जीवता समाधि, कितना भी आदि आई, कितना भी ऑब्स्टेकल आया, मगर ये मैं शुद्धात्मा हूँ, वो दीवड़ा प्रगटाया कभी बुझेगा नहीं, कितना भी संजोग आए, ऐसा बताते दीवड़ो। जगमग तो छे जी होवे अग्यारवा आश्चर्य दिखाई रे, वो दीवा ऐसा जगमगता है, ये अग्यारवा आश्चर्य यानी कि दादा भगवान का जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो 11 वंडर ऑफ द वर्ल्ड अग्यारवा आश्चर्य है, ऐसा बता है अक्रम विज्ञान के, जो दादा भगवान देह के साथ संसारी वेश कोट टोपी धोती, वो आश्चर्य में गिने आएगा, कपड़ा भी संसार भी नहीं छोड़ा, वाइफ को नहीं छोड़ा, धंधा को नहीं छोड़ा, कपड़ा जो पहना हुआ है वही कपड़ा में ज्ञान हुआ, कपड़ा भी नहीं छोड़ा, यानी कि जो कपड़ा धोती कोट टोपी वही वेश था 1958 में
सूरत के प्लेटफॉर्म पे थर्ड नंबर पर जो बेंचिस पे बांकड़े पे बैठे थे वो कपड़ा थे, वो कपड़ा वो भी नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, तो भी परमात्मा पद योग ये विज्ञान यही देह में यही कपड़े के वेश में वही संसार के सभी संबंधों में ये प्रकट हुआ ज्ञान, उसको ग्यारहवां आश्चर्य बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है, बराबर है? हेलो, समझ में आया पद? मैं कुछ पैसे भी पूछना है तो पूछ सकते, कोई लाइन शब्द पूरा समझा तो दिया। हाँ, आपने बोला था जीवता समाधि, समाधि किसे बोलते हैं ना? समाधि यानी कि आधी व्याधि में अपने को नॉर्मालिटी रहती है ना। हाँ। समाधि में से दादा के मैं शुद्धात्मा हूँ, कितने भी संजोग आए, ऑब्स्टेकल आए, प्रतिकूलता आई, मगर मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा सही स्वरूप वो जाता नहीं है, उसको समाधि बोलते है। दादा भगवान कहते हैं जीवता समाधि, मरण और जब मरने के टाइम पे तो समाधि आएगी, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा रहेगा, इसलिए महात्माओं को समाधि मरण बोलते हैं कि समाधि मैं शुद्धात्मा हूँ अपने आप दादा भगवान की कृपा से अपने आप ऐसा इस संयोग बनेंगे समाधि मरण बोलते। मगर इधर आप पूछने जाते समाधि एंड कि कितना भी ऑब्स्टेकल आएगा, कितना भी वनटोड़ आएगा, साइक्लोन आएगा एंड कि बहुत सब कुछ भी में कुछ भी प्रतिकूल संयोग में आपको मैं शुद्धात्मा हूँ वो उसको समाधि बोलते हैं, जीवता समाधि एंड कि हम जीते जी हम मैं शुद्धात्मा हूँ कोई भी संजोगों में वो समाधि बोलते हैं। आधि व्याधि उपाधि में समाधि, आधि यानी कि बाहर से आई, व्याधि यानी कि चिंता उपाधि, और उपाधि यानी कि कोई ऑब्स्टेकल आ गया, उपाधि आ गई, कोई समाचार खराब आया तो कुछ भी आ गई तबियत के बारे में के अंदर चिंता उपाधि हुई के बाहर से कुछ आए तो भी मैं शुद्धात्मा हूँ कभी नहीं जाएगा उसको समाधि बोलते हैं। अंतर की शांति परमानेंट उसको समाधि, अंतर की शांति सुख अंतर का आत्मा का सुख हाँ उसको समाधि बोलते हैं, ज्ञान का सुख उसको समाधि बोलते हैं, दादा याद आवे दादा का ज्ञान याद आवे उसको समाधि बोलते हैं, बराबर। और कुछ तो आपने बताया ममता जी आधि व्याधि उपाधि, आपको व्याधि होती है चिंता होती है आपको बहुत ज्यादा? किसके बारे में होता है? अभी जो टाइम डिलीवरी का टाइम जो नजदीक आ रहा है तो बहुत चिंता होती है मुझे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अनुज सी सेक्शन ऑपरेशन से हुआ था और अभी अनुज ऑपरेशन से हुआ था और अभी सेकंड डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें चिंता क्यों करने के महेश दादा? पता नहीं, मुझे फर्स्ट अनुज के वाला कुछ भी नहीं पता चल रहा था, मैं जस्ट गई हाफ एन आवर में मुझे ड्रेस चेंज किया, ऑपरेशन थिएटर लेके गए, सब कुछ हो गया, बाहर आ गया, उस टाइम कुछ चिंता नहीं हुई। अभी सेकेंड डिलीवरी में चिंता होगी, क्या होगा कैसा होगा, इंजेक्शन देंगे, घबराहट हो रही, बहुत नींद भी नहीं आ रही कभी कभी, वो टेंशन चली रहती कैसा होगा क्या होगा। महेश दादा ये जादू करो दवा पो दादा भगवान ने बोला कुछ भी होगा तो कुछ भी व्यवस्थित के बाहर कुछ होने वाला नहीं है, व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, व्यवस्थित शक्ति के बाहर कुछ होने वाला नहीं है कैसा भी संजोग आ। वॉइस चाइल्ड हो गया, वॉइस चाइल्ड हो गया, तो था ओके बोलो। Hello. आया वॉइस? हाँ आ भी गया, आप बोलो रिपीट करो। हाँ हेलो, हाँ जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ ने सुनाई देता है? हाँ हाँ तो व्यवस्थित वो भी व्यवस्थित था, व्यवस्थित शक्ति करने वाला
कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, तो दूसरा ऑपरेशन भी कौन करेगा? व्यवस्थित समर्थ वो स्टाइल हो गयो नहीं संभरा तू भैशान जी दीपकान जी हेल्प जय सच्चिदानंद कैन यू हियर मी यस यस जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कैन यू जस्ट ब्रीफ मी व्हाट वाज द क्वेश्चन क्योंकि आई जस्ट जॉइन अच्छा ये अभी पद के बारे में आता है चित्ता समाधि माय तो समाधि में महेश दादा ने बोला और आगे महेश दादा हाँ आप बोलिए हमें समझाओ हमने हाँ आदि व्याधि उपाधि वो तो समझ में आ गया कि कितने भी अंदर से चिंता उपाधि होती है बाहर से कुछ आया और उपाधि आदि आदि यानी कि अंदर से जो भी चिंता आपने बोला कि अभी दूसरा ऑपरेशन में क्या होगा पहला ऑपरेशन में तो मुझे चिंता उपाधि नहीं हुई और दूसरा ऑपरेशन अंदर से जो चिंता जो खड़ी रहती है ना कि अभी क्या होगा दूसरा ऑपरेशन में तो दादा ने क्या बताया कि व्यवस्थित के बाहर कुछ होने वाला नहीं है तो आप क्यों ऐसा ममता बहन ऐसे चिंता करते हैं कि मेरा क्या होगा क्या होगा वो व्यवस्थित शक्ति करने वाली है सब डॉक्टर को भी व्यवस्थित शक्ति चलाने वाली है तो दादा को सौंप देने का दादा आप सब संभाल लो मेरा समझ में आया ममता बहन हाँ तो पहला ऑपरेशन में कुछ हुआ नहीं नहीं दूसरा ऑपरेशन थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना थोड़ा चिंता होती क्या होगा क्या होगा अब एक बार दादा को सौंप देंगे ना व्यवस्थित शक्ति को सौंप देंगे ना कि दादा भगवान मेरा सब संभाल लो ये व्यवस्थित शक्ति को प्रार्थना करने का कि भाई ये व्यवस्थित शक्ति करने वाली है सब सौंप देने का दादा को तो समाधि रहेगी यानी कि आदि व्याधि और उपाधि ये उपाधि आई है बाहर से ऑपरेशन की चिंता होती है वो आदि बोलते व्याधि यानी कि शरीर की वेदना बाहर से वो अंदर से आती है तभी दादा को मैं सौंप देता हूँ सौंप देती हूँ तो निकल जाएगा और करने वाली व्यवस्थित शक्ति करता है और दादा भगवान की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा ये तो एक आपको डराने के लिए मन आपको वो विचार आता है क्या होगा ऑपरेशन में क्या होगा दिक्कत होगी वो होगा ये होगा ऐसे डराता है मन तो अपने दादा को सौंप देने का बराबर है मेरा दादा भगवान मेरा रक्षण करना और व्यवस्थित सब चलाने वाली है और कुछ मिनेश दादा ऐसे बोलते हैं ना कि हम डिमांड करते हैं तो उसके ऊपर अंतराय पड़ जाता है हाँ डिमांड तो अंतराय इंग्लिश में डिमांड बोलते तो ऐसा सभी ये अंतरा यानी कि जो अपने अभी तो मैं क्या ये जो इच्छा है वो खुद दादा भगवान ने बताए प्रगट अग्नि है प्रगट अग्नि जो डिमांड यानी कि इच्छा प्रकट होती है मुझे ये चाहिए जब तक आप वो प्राप्ति नहीं करेंगे ने तब तक वो जलन होगी आपको अग्नि खड़ी होती तो ये जहां जहां डिमांड होती है इच्छा प्रकट होती है वहां अपने चैन से बैठ नहीं सकते वो अग्नि प्रकट होती है यानी कि इच्छा इटसेल्फ
प्रगट अग्नि है। आपने क्या पूछा, जहाँ अंतराय होता है, ये जब तक तो दादा भगवान बोलते हैं अभी व्यवस्थित शक्ति सब सप्लाई करते हैं, और जो भी अपना अंतराय है, जो भी अपना पूर्व का डाला हुआ है अंतराय, वो उसके हिसाब से आप इच्छा वो जल्दी पूरी नहीं होती है, अपना ही कर्म का हिसाब से वो अटक जाता है, उसको अंतराय बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बेगर है भीख मांगने वाला, तो आपकी सहेली के साथ आप जाते हैं ट्रैवलिंग में, वो आपकी सहेली है, वो 10 की नोट निकाल के वो पर्स में से वो बेगर को डोनेट करती है, देती है दान, मगर आप क्या बोलते हैं, ये तो काम करने वाली कितना काम कर सकती है, अट्टी कट्टी है, और ना मांगती आप दे देते उसको, काम करने काम करके उसको कमाएगी, जो भी बर्तन के कपड़ा धोरेगी, आप ऐसे 50 की 100 10 की नोट दे देंगे, नहीं देना चाहिए, तो आपने आतरा डाल यानी कि रुकावट की, उसको 10 की नोट के 50 की नोट मिलने वाली है, मगर आपने सहेली को क्या बोला, मत दो, उसको मेहनत करने दो और कमाएगी, तो हर जगह पे 10-10 नोट के रोज का 200-500 रुपया कमा लेगी, और ये ठीक नहीं है व्यवहार, तो आपने आतरा डाला यानी कि अंतराय, तो आपको जो मिलने वाला है उसमें अंतराय पड़ेगा, किसी में, किसी को काम में, किसी को हेल्प में, कि किसी को आगे बढ़ने में आपने उसको रुकावट की, उसको अंतराय बोलते, आतरा डाला। तो जो हम दूसरे की कोई भी काम में रुकावट करने में निमित्त बनते हैं, तो वो उसका रिजल्ट हमें कैसा आता है, कि हमें भी जो कुछ इच्छा है यानी कि जो भी कुछ काम हमारा भी है, हमारी जो फुलफिल नहीं होती, इसमें कुछ अंतराय कर्म बीच में आता है, सरल से अपना काम निपटना निपटता नहीं है, और कुछ ना कुछ बाधाएं आती है, ऑब्स्टेकल आती है, उसको अंतराय बोलते। तो अपना ही अंतराय डाला हुआ वो बीच में वो ऑब्स्टेकल आता है, कोई आपको ऑब्स्टेकल करता नहीं है, अपना ही ऑब्स्टेकल अपने को नड़त, जो अपने किसी को दुख दिया, किसी भी हम परेशान किया, तो वो निमित्त कोई ना कोई संजोग से हमें भी परेशान होना पड़ता है, हमें भी नुकसान ना पड़ता है, वो भोगवे उसकी भूल है ना, तो भुगतना क्यों पड़ता है, तो हमारी भूल के वजह से भुगतना पड़ता है। ऐसे अंतराय यानी कि सभी इच्छा होती है मगर फुलफिल नहीं होती है, तो हमारा ही पाप और पुण्य का हिसाब से इच्छा फुलफिल होती है और नहीं भी होती है, पाप का कर्म के हिसाब से हमारा ही कर्म हमें अंदर फुलफिल इच्छा नहीं होती है, जब तक इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक ये अग्नि हमें अंदर प्रकट होती है यानी कि जलन होता है, इसलिए जहां जहां डिमांड होती है वहां अंदर इच्छा रूपी अग्नि यानी कि जलन हमें जलती है, कब पूरा होगा, कब हमारा काम पूरा होगा, कब ऐसा होगा, हमारा अंतराय हमें ऑब्स्टेकल रूप बनता है। समझ में आया? अभी तो नई इच्छा नहीं बनती है, आत्मती है, यानी कि महात्मा को तो अभी नई इच्छा नहीं होती है, वो तो अज्ञान अवस्था में, उसको अभी तो हमारी नई इच्छा तो नहीं है, हमें तो अभी मैं शुद्ध आत्मा पर भरेला माल रूपी जो वो अंदर से आता है, और अभी आग्रह भी नहीं रहता है कि मुझे ये सुख चाहिए, ये संसारी सुख चाहिए, वो सुख, वो अभी उसमें वो आग्रह रूप नहीं होता है, मिला तो ठीक है एंजॉय करते हैं, प्राप्त तो भोगते, अप्राप्त की हम चिंता नहीं करते, वो व्यवस्थित शक्ति सब सप्लाई करते, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें ऐसा नहीं होता है कि ये क्यों नहीं मिला, उसका आग्रह नहीं रहता, यानी कि दादा के चीज आपको प्राप्त होती है, चीज आपको प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए आपको चिंता उपाधि यानी कि जो जलन होती है अभी नहीं होगी, उसके लिए मूर्छा नहीं रहेगी। क्या है, आप जो भी चीज अच्छी तरह से डायमंड के गोल्ड की पहनते और कोई इधर गुम हो गई
तो ये गुम हो गई कि चोरी हो गई तो आपको ऐसे उसकी पीछे मूर्छा नहीं रहेगी, यानी कि मेरा क्या होगा। तो व्यवस्थित शक्ति करता है, वो पहनने मिलेगी डायमंड की जो भी रिंग है कि कुछ भी है, नेकलेस है, तो वो प्राप्त हुआ। मगर नहीं होगा तो उसके कब मिलेगा उसकी वो उनकी रहती है अंदर मूर्छा, उसको मूर्छा बोलते, अटैचमेंट बोलते। तभी महात्माओं को चीज पहनते हैं तो उसके पीछे अटैचमेंट यानी कि मूर्छा वाला भाग निकल गया, वो नहीं मिलेगी तो मेरे को जी नहीं सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा, यानी कि वो तलप निकल जाएगी, मूर्छा वाला भाग निकल जाएगा। ऐसी बात है, मूर्छा चीज वस्तु पहनने में दिक्कत नहीं है, मगर उसके पीछे जो अटैचमेंट है, मूर्छा है, उसके बिना नहीं चलेगा। वो महात्मा को अभी निकल गया, हाँ शुद्धात्मा बिना नहीं चलेगा, मेरा अंदर शुद्धात्मा का ज्ञान तो मुझे अंदर वही आनंद, वही परमानंद, उसके वो तो मुझे चाहिए, उसके लिए हम जीते हैं, मेरा सुख के, मेरी सुख के लिए, और पराया सुख हो गया वो। और कुछ ओके, तो ऑल द बेस्ट। अभी चिंता होगी? नहीं अभी नहीं होगी, होगी तो भी दादा को सौंप दूंगी मैं, कि दादा संभालो बस आप। भगवान को सौंप देना। ऑल द बेस्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन जय सच्चिदानंद, रजनीकांत भाई साहेब जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, महेशानंद जी जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद महेशानंद जी, एक आ वात समझावो ने दादा भगवान ने, कि आपने दादा भगवान हाँ अपन कहे ने कि काम